खबर बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड से है। आपको बता दें कांग्रेस कार्यालय नैनाटांड में गोमिया विधानसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मुर्शीद अली की अध्यक्षता में द्वितीय कार्यकारिणी की बैठक करी गई, जिसमें मुख्य अतिथि बोकारो जिला महासचिव सह 20 सूत्री सदस्य रामकिशन रविदास मौजूद रहे। वहीं बताते चलें आपको कि विधानसभा अध्यक्ष मुर्शीद अली ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कथित विभाजन कार्य राजनीति के खिलाफ देश को एकजुट करने का काम कर रही है। गोमिया विधानसभा यूथ कांग्रेस के द्वारा बूथ स्तर पर अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। 2024 में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनानी है। वहीं बैठक में मौजूद अल्पसंख्यक अध्यक्ष गोमिया प्रखंड के वारिस आलम, उपाध्यक्ष हसनैन अंसारी, पेटरवार प्रखंड अध्यक्ष शहीद अफरीदी, समाज सेवी नदीम अंसारी, आजम अंसारी, अताउल्ला व कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नमस्कार, जोहार, आदाब। आप देख रहे हैं आरएन भारत और मैं मोहम्मद इश्तियाक अहमद। आज पहुंचे हुए बोकारो जिला गोमिया प्रखंड अंतर्गत के साड़म नैनाटांड में। आपको हम दिखा सकते हैं बोर्ड, थोड़ा सा कैमरामैन से चाहते हैं जी ये बोर्ड दिखाए। जन समस्याओं समाधान कांग्रेस कार्यालय गोमिया विधानसभा। हम बात करेंगे मोहम्मद मुर्शीद अली जो गोमिया विधानसभा का अध्यक्ष है। आखिर इन्होंने अपने मतलब ज़्यादातर वक्त पार्टी की ओर क्यों देते हैं, लोगों के हित में जा करके क्यों समस्याओं को दूर करते हैं, इनको कब से यह उत्साहित हुआ, क्या इनसे प्रेरणा मिलती है, हम बात करेंगे। अभी हम जिनसे बात करने के लिए जा रहे हैं गोमिया विधानसभा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस बैठक का उद्देश्य क्या था? ये बैठक का उद्देश्य यही है कि हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे जब से निकले हैं देश में सांप्रदायिक घटनाएं घटी हैं, लोगों में आपस में मोहब्बत बढ़ रही है, देश मजबूती की ओर आ रही है। हम लोग चाहते हैं कि 2024 में दिल्ली के लाल किला में हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगा झंडा को लहराते हुए नजर आए। हम लोग का यही सपना है क्योंकि राहुल गांधी ही देश को बचा सकते हैं। मोदी चचा जब से आए हैं देश में अडानी अंबानी लोगों को ही फायदा हो रहा है, गरीब किसान लोग मर रहे हैं, गरीब केवे के लोग त्राहिम त्राहिम हो गए हैं, किसान लोगों को कोई लाभ फायदा नहीं, अडानी अंबानी लोग को ही भरपार अंबार संपत्ति का फायदा हुआ है। मोदी चचा जब से सरकार में आए हैं और मोदी चचा जब से सरकार में आए हैं तब से देश में सांप्रदायिक घटनाएं घटे हैं, लोगों में हिंदू मुसलमान का लेबल लगा दिए हैं, लेकिन ये लेबल घटे कैसे ये हमारे राहुल गांधी जी बहुत गंभीर मंथन करते हुए भारत जोड़ो यात्रा में जब से निकले हैं, देखिए अभी भारत में सांप्रदायिक घटनाएं के स्तर घट गई है क्योंकि लोगों में अब आपस में प्यार मोहब्बत जग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ही देश को बचा सकते हैं ये लोगों में एहसास हो गया है और राहुल गांधी ही भारत का विकास कर सकते हैं। जैसे कि हमारे माननीय श्री पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश को बचाने के काम किए थे, उन्हीं का पोता है माननीय श्री राहुल गांधी जी, देश को बचाने के लिए आगे आए हैं, बस यही दो शब्द कहना है। आज की मीटिंग के जो अध्यक्षता कर रहे थे हम उनसे आप लोग को मिलवाना चाहते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रामकृष्ण रविदास हुआ। इस सरकार से क्या आपत्ति सर? झारखंड सरकार अच्छी काम कर रही है। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार की बात हो रही है। केंद्र सरकार तो जुमलों की सरकार है, यहाँ जितने कांग्रेस पार्टी ने पूर्व की सरकार जो थी वो भारत में जो निर्माण किया और रेल सेल भेल जितने निर्माण किए हैं सब आप मोदी जी बेच रहे हैं। हम बात करेंगे गोमिया में इतने उत्साहित के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता है फिर भी कांग्रेस का विधायक नहीं देते हैं, इसमें विधानसभा अध्यक्ष को कैसा महसूस होता है? देखिए ये तो आला कमान तय करती है कि टिकट किसको देना है किसको नहीं। हमारे पूर्व में कांग्रेस का टिकट माननीय श्री माधवलाल सिंह जी को मिला था जो हम लोग जिताने का काम किए थे, लेकिन किसी कारणवश मोदी चचा का सरकार बना तो वो बीजेपी में चले गए। उस समय कांग्रेस का ऐसा कोई लगा नहीं तो गठबंधन सरकार में जेएमएम को टिकट मिला जो उपचुनाव हुआ जिसमें हम लोग जिताने का काम किए, लेकिन रेगुलर चुनाव में हम लोग किसी कारण मिसयूज हुआ हार गए। लेकिन 2024 में फिर पुनः अगर गठबंधन सरकार बनती है तो फिर जोगिंदर महतो की पत्नी धर्मपत्नी जो है बबीता देवी जी को हम लोग जिताने का काम करेंगे जो हमारे अलग कमल। अब हम बात करेंगे एक समाज सेवी से, क्या नाम हुआ? मेरा नाम वारिस आलम। क्या है इस संगठन का? गोमिया प्रखंड कांग्रेस कमेटी का अल्पसंख्यक अध्यक्ष है। इस पार्टी में सर अल्पसंख्यक अध्यक्ष आपको कैसा महसूस होता है? पार्टी हमें विश्वास है, विश्वास के चलते इस पार्टी में हम जुड़े। देश के यदि भला कर सकता है वो कांग्रेस है। आज आज़ादी से देखिए आप, गांधी खानदान ही देश के लिए कुर्बानी दिया है, आज देश को अंग्रेज से आज़ाद किया एक गांधी खानदान है, और आज भाजपा से आज़ादी दिलाएगा, भाजपा की जो नीति से आज़ादी दिलाएगा वो राहुल गांधी है।
राहुल गांधी के ऊपर पूरा विश्वास, पूरा विश्वास हमें है तो देश को वही भला कर सकता है। अब हम बात करेंगे आखिर क्यों युवा वे कांग्रेस के पीछे दौड़ रहे हैं, क्यों कांग्रेस के पीछे अपने वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हम बात करेंगे पटवार प्रखंड का युद्ध कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष से, आखिर इन्होंने कांग्रेस पर क्या देखा। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद अफरीदी है। इस पार्टी में आने का क्या मतलब आपको समझ में आया? देखिए, इस पार्टी में आने का मेरा यही उद्देश्य है कि मतलब आज तक जो सरकार अभी जैसे हमारी जो चल रही है तो कैसे क्या हो रहा है ये हर कोई आज देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। तो हमारी जो सरकार जो हम जिसको लाना चाहते हैं वो हमारे राहुल गांधी जी है ना, वो कैसा काम करते हैं, क्या है उनका, हर एक कोई जानता है, देख चुका है। ठीक है, तो यही हमारा उद्देश्य और यही जो अभी जो कार्यक्रम अभी भारत जोड़ो यात्रा जो चला रहे हैं उसे हम सब देख रहे हैं कि उसे क्या बेनिफिट हो रहा है। सो हम सबको मिल के एकजुट होके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। पर अभी से हम लोग तैयारी में लग गए हैं, बूथ कमेटी का गठन हो रहा है। देश को बर्बाद होने आपके कहने के मुताबिक देश को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते। इसी तरह का न्यूज़ देखते रहिए आर9 भारत। मैं मोहम्मद इश्तियाक अहमद, धन्यवाद।